ए सुनो, सबको टीका लगाने का ऑर्डर दिया गया है, देखना कोई छूटने ना पाए, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। सर आप उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, सबको पकड़ पकड़ कर टीका लगाया जाएगा। ठीक है, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अरे सुनो, इधर आओ। जी कहिए। कहाँ जा रहे हो, तुमने लिया क्या? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया। आओ अभी तुम्हें देती हूँ। हैं? आप देंगी मुझे? हाँ, यहाँ सबको दिया जाता है, तुम्हें भी दिया जाएगा। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, यहाँ कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मैं तो कब से लेने के फिराक में इधर उधर भटक रहा था, जिसको ढूंढा गली गली वो अपने पिछवाड़े में मिली। वाह 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 वाह। कोई बात नहीं, अब समझो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। वाह क्या बात है, मैं लेने के लिए भटक रहा था और यहाँ तो देने के लिए शिविर लगाया गया है। ए मोहतरमा, अरे हमको भी लेना है भाई। ओ चचा, देख नहीं रहे हो मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ, पहले मैडम मुझे देंगी। क्यों मैडम? हाँ हाँ, वैसे इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है, दोनों को एक एक करके दूंगी, शांत से बैठो। वैसे चचा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की, कबर में पैर लटकाए बैठे हो फिर भी लेने के लिए उतावले हुए जा रहे हो। अरे बरखुरदार, हमारे जैसे सीनियर सिटीजन को तो पहले लेने के लिए बोला है सरकार ने। है? सरकार ने बोला है? ये तो गजबे का सरकारी स्कीम है भैया। आप बैठो चचा, आपको देती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है मोहतरमा। अच्छा बोलो कहाँ लोगे? अरे मैं तो कहीं भी ले लूंगा, यहाँ बिस्तर तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं चटाई पर ही ले लूंगा। लेकिन आप दोनों में से देंगी कौन? हम दोनों ही मिलकर देंगे। क्या? दोनों मिलकर देंगी? तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देते। तब तो और अच्छी बात है। मैडम मुझे भी लगानी है, कितना टाइम लगेगा? आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको भी दी जाएगी। आपको भी लेनी है? हाँ, उसी के लिए तो आज सच सवर कर आई हूँ। ये आप मुझे पहले बताते तो आपको यहाँ नहीं आना पड़ता। और कहाँ पे मिलता है? अरे आप जहाँ कहोगे हम वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो पता चला है कि केवल यहीं पर सबको दी जाती है। हाँ यहाँ भी दी जाती है, लेकिन लेकिन क्या? यहाँ तो आपको उस बुढ़े डॉक्टर से ही लेना पड़ेगा ना, और अगर अकेले में हम मिलते तो आपको नया और ताज़ा तरीन सामान मिलता। ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार अकेले में मिलो तो सही, फिर सब समझ में आ जाएगा। अरे ओ अकल के ढक्कन, ज्यादा इधर उधर की बातें की तो सीधे पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हारी किस्मत में वो बुढ़ा डॉक्टर ही लिखा है, मेरा क्या, मुझे तो आज दो दो जुगाड़ मिल गए हैं। ए, क्या बकैती चल रही है, समय बर्बाद मत करो, और भी लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ सर अभी करती हूँ। ठीक है बोलो कैसे लोगे? जैसी आपकी श्रद्धा, जैसे देना है दे दीजिए, लेट कर या बैठ कर, मैं कैसे भी ले सकता हूँ। यहाँ लेट कर नहीं दिया जाता है। क्यों? मैंने तो सुना है कि ज्यादातर लोग लेट कर ही लेते हैं, लेट कर लेने में बहुत मजा आता है। बैठ कर लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी? हाँ समय और जगह के अभाव में बैठ कर ही लेना अच्छा है, अब तो ऐसे ही लोग लेने लगे हैं। अब जल्दी से इस कुर्सी पर बैठ जाओ, यही दिया जाएगा। क्या यही दोगी सबके सामने? और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए अलग से इंतजाम करना होगा। लेकिन यहाँ सबके सामने कहीं मेरा परफॉर्मेंस ना खराब हो जाए, इसलिए डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? ऐसे सबके सामने खुले आम लेने का एक्सपीरियंस जो नहीं है ना। कोई बात नहीं, यहाँ सब पहली बार ही लेने आते हैं। फिर भी अब मैं अभी छोटा हूँ ना, और इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, जरा साइड में चलकर दे दो ना प्लीज। कान खोलकर सुन लो, यही बंद दी जाएगी, लेना है तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं, पहली बार लेना भी खूब याद रहेगा। ये क्या है, कहीं मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत तो नहीं? देखो देखो अब मैं कोई इंजेक्शन नहीं लूंगा, देना है तो ऐसे ही दे दो। इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो फिर क्या लेना है? वही जिसकी बात आप तब से कर रही हो। मैं तो इस इंजेक्शन की ही बात कर रही थी, ये कोरोना की वैक्सीन है, यह सबको लगाया जाता है। क्या?
वैक्सीन? नहीं नहीं, अब मुझे नहीं लगवाना वैक्सीन वैक्सीन। अबे देखती हूँ कैसे नहीं लगाओगे, जरा पकड़ो तो इसे, वैक्सीन लेने में नखरे कर रहा है। पहले इसका आईडी कार्ड देखकर डिटेल भर लो और उसके बाद जल्दी से टीका लगा दो, बहुत समय बर्बाद कर दिया इसने। चल अपना आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड? लेकिन 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 कुछ नहीं चलेगा। अरे ये क्या, तुम तो अभी केवल 12 साल के ही हो। हाँ मैं तो 12 साल का ही हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आ गए? अरे आपने ही तो देने के लिए पकड़ लिया था मुझे, और मैं भी लेने का शौकीन था इसीलिए आ गया। तुम्हें पता नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन 18 साल से नीचे वालों को नहीं दी जाती है? और तब से हमारे साथ डकैती किया जा रहा है ये लौंडा। इतना समय बर्बाद कर दिया, अभी लेने का सारा शौक उतारती हूँ। मारो रे, सब मिलकर मारो।